अभी हम जब आए तो हमारे पास कीर्ति डान भी आए, बहुत अच्छा गीत गाते हैं कीर्ति, ये बैठा है बबुआ, बहुत अच्छा गीत गाता, हमने वो डम 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 वाला बहुत सुना तुम्हारा, हाँ बहुत सुना, हे भोलेनाथ ऐसा सुना, हम सुनेंगे तुमसे, जल्दी तो नहीं ना भाई? हाँ प्यारे बेटा जल्दी है भी तो करेगा क्या, जाओगे तो जब ही जब पेमेंट हो जाएगी, और आज हमारे चेला ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं देने वाले तुम्हें, क्योंकि जो देने वाले हैं हम उनको रोक देंगे, मत देना, हम तुमसे कहेंगे तुम जल्दी बागेश्वर धाम भी आना, वहां भी सुनाना। हम गुजरात से बहुत प्रेम, गुजरात संतों की भूमि है, जहां बापा सीताराम है, हाँ गुजरात अद्भुत है साहब, पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी, पूज्य श्री मुरारी बापू जी, अनेक अनेक महापुरुष यहाँ पर हैं, अद्भुत भूमि है गुजरात। हम आपको बता रहे थे वहां से विचलित ना हो, साधु आपकी जैसी दृष्टि होगी सृष्टि भी वैसी ही होगी, आप जिस नजर से दुनिया को देखोगे दुनिया आपको ठीक वैसे ही दिखाई पड़ेगी। किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसके पास एक घोड़ा था, उस घोड़े की बहुत बुरी आदत थी, उस घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। अब जून के महीने में हरी घास कहां से लाए, अब रहा होगा आदमी भी गुजरात का, तो कोई महात्मा उसके गांव में आया, व्यक्ति भागा भागा गया, चरणों को पकड़ करके जोर से बोला, ए बाबा हमने सुना तुम मंत्र बहुत जानते हो। महात्मा ने कहा तो क्या हुआ, बोले बाबा ऐसी कोई ताबीज बनाओ कि मेरे घोड़े को मैं पहनाऊं और वो सूखी घास खाने लगे। महात्मा बोले हमने इंसानों की ताबीज तो मंत्र से सीखी है पर घोड़ों की नहीं सीखी यार। महात्मा ने कहा कि मेरे पास घोड़े का कोई मंत्र नहीं है। व्यक्ति बोला बाबा मैं बहुत परेशान हूं, तुम बहुत पहुंचे हुए महात्मा हो, कृपा करके मेरी समस्या का समाधान करो। महात्मा ने कहा ठीक है एक उपाय है, क्या तुम अपने घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ, उस चश्मे का जो कांच हो उस कांच को तुम हरे कलर का लगवाओ, देखना तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उस व्यक्ति ने घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाया, उस चश्मे का लेंस ग्रीन हरे कलर का रखा और घोड़े के ही सामने सूखी घास डाली, घोड़े ने खाने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही चश्मा पहनाया घोड़े की नजर चश्मे पर पड़ी और चश्मे से नजर बाहर पड़ी, चमत्कार हो गया। बोले क्या, बोले जो दुनिया सूखी दिखाई पड़ रही थी वो चश्मा के लेंस के कारण पूरी दुनिया और पूरी घास उसे हरी नजर आने लगी, घोड़ा दबा करके घास खाने लगा। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, भागा भागा महात्मा के पास आया, बोले भगवान आपने कृपा की और मेरी समस्या का समाधान हो गया। महात्मा मुस्कुराकर बोले ये मेरी कोई कृपा नहीं है, इसमें चमत्कार तो उस चश्मे वाले का है, और जाकर अगर तुम्हें धन्यवाद देना ही है तो चश्मे वाले को धन्यवाद दो। व्यक्ति बहुत खुश हुआ, व्यक्ति चश्मे वाले के पास गया कि आपने बड़ी कृपा की जो हमारे घोड़े की समस्या ठीक हो गई। उतने में महात्मा पीछे से आकर कहते हैं बेटा ना धन्यवाद का पात्र ये है ना धन्यवाद का पात्र ये है, धन्यवाद के पात्र तो दृष्टि है, आप जैसी नजर रखोगे आपको दुनिया भी वैसी दिखाई पड़ेगी, आपकी जैसी सृष्टि होगी दृष्टि जैसी होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी। इसलिए मेरे पागलो मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहता हूं, दुनिया वाले काम की नजर से देखते हैं, दुनिया वाले व्यापार की नजर से देखते हैं, तुम अपनी नजर को बदलो, तुम अपनी नजर में थोड़ा सा सुधार करो, हमको दुनिया राम की नजर से और वसुदेव कुटुंबकम परिवार की नजर से देखना है। इसलिए आज के सूत्रमाला में याद रखना जैसी दृष्टि वैसी, जोर से बोलो जैसी दृष्टि वैसी,
जैसी आपकी नजर होगी नजारे भी वैसे ही होंगे, इसलिए नजर को बदलना है। और दूसरी बात बोले, भगवान कहां, जहां भक्त की हां भगवान वहां। भक्त ने कह दिया भगवान यहां है, तो पर भगवान को आना ही पड़ता है, बुलाने की जरूरत नहीं। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही मैं जाना, ईशा वास्मिदम सर्वम, भगवान सर्वत्र विद्यमान है। बोले भगवान कहां, जहां भक्त की हां भगवान वहां। भक्त ने कह दिया परमात्मा यहां है, तो परमात्मा वहां है। भक्त ने कहा भगवान ऐसा है, तो भगवान वैसा ही रूप बना करके प्रकट हो जाते हैं। जो ध्रुव के लिए चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, जो प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण करते हैं, वही हनुमान जी आपके लिए भी किसी ना किसी रूप में निश्चित रूप से प्रकट होंगे। आपका भाव दृढ़ होगा तो परमात्मा आपके सन्मुख खड़ा होगा। लेकिन कुछ गुजराती भी बड़े अद्भुत हैं, उनसे जीतना बड़ा मुश्किल है। एक बार एक मध्य प्रदेश के महात्मा गुजरात आए, हमारे जैसे गरीब। एक गुजरात का अमीर चेला था, दोनों समुद्र किनारे घूमने गए, समुद्र किनारे। वहां लिखा था बोर्ड में, महाराज जी बोर्ड में लिखा हुआ था कि डूबते हुए व्यक्ति को बचाने वाले को 500 रुपया दिया जाएगा। गुरु जी बोले चेले एक काम करते हैं, हम डूबने का नाटक करते हैं, तुम हमें बचा। चेला बोला क्यों, देखो बोर्ड, देखो बोर्ड पर लिखा डूबते हुए व्यक्ति को बचाने पर 500 रुपया, 100 तुम ले लेना, 400 हम। चेला भी गुजराती था, सूरत का। बोले गुरुजी आई एम रेडी। गुरुजी बोले तैयार हो, बोले तैयार। गुरुजी समुद्र में गए, चेला बोला और भीतर जाओ। गुरुजी बोले अब ठीक है, ज्यादा भीतर जाएंगे फिर लौट के ही नहीं आएंगे। चेला बोला नो टेंशन, और थोड़ा भीतर। गुरुजी बोले अब ठीक है, इतने में ही हम नाटक कर रहे, तुम बचा। बोले नहीं, थोड़ा और भीतर। जब गुरुजी ज्यादा भीतर चले गए, सच में डूबने लगे, बोले बचाओ। चेला बोलो गुरुजी बोले पागल हो गया, हमारे प्राण निकल रहे, बचाओ। चेला बढ़िया पिज्जा खावे। गुरुजी समझ गए लालची है, 200 ले ले, लेकिन बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले अच्छे फंस गए। गुरुजी बोले बेटा 300 ले ले। चेला बोलो गुरुजी बोले पूरे 500 ले लिए, लेकिन प्राण बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले 500 एक्स्ट्रा ले लिए, पर प्राण तो बचा। चेला बोलो गुरुजी आगे वाला बोर्ड देखो। आगे वाले बोर्ड पर लिखा था लाश निकालने वाले को 5000। बोले हम तो 5000 की तैयारी में आए। अब ये मत पूछना कि वो चेला कहां का था, और सूरत का तो समझ नहीं, मत तो कहीं और का था, विदेशी, श्रीलंका का। लेकिन सूरत के लोग होते बहुत अच्छे हैं, धन्य है यहां की श्रद्धा, धन्य है यहां का विश्वास। आज पूरा सूरत राममय दिखाई पड़ रहा है।